फॉलोइंग स्टेटमेंट बात ना करें ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर बोथ नेगेटिव देन ए एंड बी एंड सी हैव द सेम साइन सो इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स तो ट्रू फॉल्स बताना है देखो बात करने से नहीं होगा क्योंकि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ नेगेटिव ठीक है देन ए बी सी हैव सेम साइन देखो इस सवाल को इसको बताना है कि स्टेट इट इज ट्रू और फॉल्स of quadratic polynomial ax square plus bx plus c are both negative then a b c have same sign देखिए कि यहां दिया गया है कि दोनों इसके जीरोस क्या हैं बोथ नेगेटिव है तो अगर दोनों जीरोस नेगेटिव हैं तो बोलो सम ऑफ जीरोस क्या होगा इट इज नेगेटिव प्लस नेगेटिव सम ऑफ जीरोस नेगेटिव होगा कि नहीं भाई दो नेगेटिव का सम क्या होता है क्योंकि दोनों जीरोस क्या हैं निगेटिव है जैसे मान लो दो जीरो माइनस टू और माइनस थ्री दोनों ही निगेटिव है लिखा तो है ना जीरो निगेटिव है और लेकिन सम ऑफ जीरोस का बी वाई ये होता है फार्मूला देखो अब मान लो अगर दोनों जीरो निगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बोलो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है तो पॉजिटिव तो इससे क्या पता चला ये c बाई है तो c बाई पॉजिटिव है और माइनस बी बाई क्या हुआ निगेटिव है माइनस बी बाई निगेटिव से क्या पता चला कि b बाई क्या हुआ पॉजिटिव है ना ये दोनों माइनस कट कर दो और इससे तो क्या पता चल रहा है कि c बाई क्या है पॉजिटिव तो अब यहां देखिए सो अब यहां पर अब कुछ केस बन सकते हैं कि मान लीजिए ए या तो निगेटिव हो ए क्या हो बोलो अब यहां से दो केस हो सकते हैं कि ए इज निगेटिव और यहां क्या हो सकता है ए इज पॉजिटिव अच्छा बताओ ध्रुवांशी अगर ए निगेटिव है तो बी को क्या हो जाना चाहिए हमें नहीं पता आप मुझे बताइए ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाए कि पॉजिटिव हो जाए सही बात है कि नहीं सो B should be negative. B should be negative to make B by A is equals to negative by negative. तो क्या हुआ पॉजिटिव आ गया कि नहीं B by A यहां क्या दिखाया गया है
तो पॉजिटिव इट इज इक्वल टू पॉजिटिव, आगे बात सही कि नहीं, बी निगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये निगेटिव है तो इसे भी निगेटिव होना होगा, और क्या सी को भी निगेटिव होना होगा, तो सी शुड बी निगेटिव। बोलो बात समझ में आ गई, फिर से समझ लो, अगर ए निगेटिव है, ए क्या है, तो लिखो बी बाई ए क्या है बताइए, पॉजिटिव, तो बी बाई निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो यहां से क्या पता चला, B क्या आ गया बताइए, आया B को देखो, B बाई ए पॉजिटिव लिया, B बाई ए क्या है पॉजिटिव लिखा, और A को क्या लिया negative. तो क्या B निगेटिव आ गया, तो A और B निगेटिव आ गया और C भी आ जाए तो क्या तीनों सेम साइन के हो जाएंगे, तो पहला फिर से लिखो यही बात, तो क्या लिखोगे बताओ, C बाई ए पॉजिटिव वहां से लिया, सी बाई ए क्या है negative. ए क्या है negative. लिख दे निगेटिव, तो लिखो सी बाई निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, अब क्या लिखे, सी इज इक्वल टू नेगेटिव निगेटिव इंटू, तो सी भी क्या आ गया negative. तो बोलो ए निगेटिव बी निगेटिव सी निगेटिव सेम साइन क्या हो गया, अब इसी तरह दूसरे से करो, अच्छा अब ये बताओ B बाई ए पॉजिटिव है क्या, और ये तो पॉजिटिव है, तो क्या लिखते हैं B बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो B क्या हो गया पॉजिटिव इनटू, तो क्या B पॉजिटिव हो गया, बोलो, और अगली बताओ कि C बाई ए क्या दिया है पॉजिटिव, और A हमने क्या माना है, तो C बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो C क्या हो गया बोलो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, तो C इज पॉजिटिव, सो इन बोथ द केसेस, तो यहां पर C पॉजिटिव है और यहां पर क्या हुआ B पॉजिटिव है और A भी क्या है पॉजिटिव, तीनों सेम साइन जो है, और यहां पर भी A निगेटिव B निगेटिव C निगेटिव, Clearly in both the cases A, B, C have same sign. Same sign मतलब सिर्फ A को छेड़ता है. Clearly मतलब हमने A को ले लिया और हमने देखा बाकी के क्या साइन होंगे, तो हमने चेक कर लिया, अरे उनको तो भी वही साइन आ रहे हैं, नहीं? So clearly A, B, C have same sign in both the cases. So given statement is true in both the cases. So, given the statement is true. अगला और किसी का तो दीजिए, और है किसी का ला sure. Okay. If alpha and beta are zeros of polynomial. Are zeros of polynomial ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, find value of a square plus b square है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, alpha square plus beta square यही होना चाहिए, alpha square plus ये मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन है, अच्छा ये मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस टू अल्फा बीटा, बताओ इसकी क्या वैल्यू रखते हैं, अच्छा इसकी क्या वैल्यू रख दें, तो बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हुआ, बोलो आंसर आ गया, सो दैट इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा दिया,
अब इसकी वैल्यू यहाँ रखी, इसकी यहाँ रखी जाती है। ये जैसे एक ऐसी आती नहीं है कि x plus y whole square is equal to x, कोई भी आइडेंटिटी इसे लगा सकते, कहीं भी लगा दो। आपको ये चाहिए, आपको मालूम है ये और ये हमें पता, तो क्यों वो आ नहीं जाएगा। जब चीजें आपको सीधा पता ही चल रही, सब कुछ मालूम है, तो जो नहीं चाहिए वही तो पता करना है। और बोलिए सर, ये वाला, अरे अभी एक मिनट लेते हैं। Find the smallest number which when divided, ठीक है, find the smallest number which when divided by, which when divided by, वो divided by है तो LCM होगा ना। कोई चीज जो divide होती है वो क्या होती है, divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively, leaves remainder 8 and 12 respectively, 28 और 32 से अगर वो डिवाइड करे तो वो लीव करे ये रिमाइंडर। चलो तो अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लो पहले, 28 और 32 का। तो 28 क्या होता है, 227, और 32 क्या होता है, 2 2 2 2 2। तो बोलो इनका एलसीएम क्या हुआ, 2 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
ये भी लिखो, है कि नहीं? एलसीएम लेने का तो यही तरीका है, और नहीं तो दूसरा मेथड। हाँ बोलो। पहले देख लें तो ये कितना आ गया, तो बोलो यहाँ तो कितना आ गया, 32 में 32 इंटू 7 करो, 7 × 21 और ये क्या हो गया 224 आ गया। अच्छा बताओ 28 से ले जाएंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, और मैं इसी में 8 अब जोड़ने जा रहा हूँ, 8 जोड़ दूं तो बोलो ऑन एडिंग 8, क्योंकि 8 में क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 8, तो 8 जोड़ने से दूसरे का भी काम बन जाएगा। 8 जोड़ो तो जरा, तो एलसीएम कितना हो गया बोलो 224। जैसे मान लो कि 10 और 15 का एलसीएम क्या हुआ बोलो, ये देख लो एलसीएम 30 है, और मैं इसी में कह दे दो रिमाइंडर बचे इसमें करने पे, तो मैं इसको क्या कर दूं 32 कर दूं, तो दो रिमाइंडर इसमें बचेगा और बाकी इसमें भी कुछ बचेगा, तो ये 12 वाला अभी हम देख रहे हैं, मान लो इसमें बात बन गई तो बन गई, नहीं तो फिर हम सोल्यूशन देंगे। 8 तो जोड़ ही दें, तो 8 ऐड करो, एड 8 टू 224 तो कितना आ जाएगा बोलो 232। अब 28 से डिवाइड करो तो बोलो 28 है, कितनी बार जाएगा, सो 28 है हमारे पास, ये आ गया, कितना फालतू आया था 28, दो दो है तीन, चलो कोई बात नहीं, 30 है, तीन और 7 बार जाएगा, 7 × 6 बार जाएगा, 17 और 7 × 2 = 14, 5 × 19, ठीक है, तो कितना बचा, और बार जाएगा क्या, 8 × 2 = 14, 2 × 4 आएगा 8 पे जाएगा, 8 बार भी चला जाएगा, तो 2 × 2 = 4 तो कितना बच गया, 8 बच गया, तो मतलब इसमें ये वो नंबर है जिसमें ये रिमाइंडर दे रहा है। अब 32 से करो तो 2 × 32 तो कितनी बार जाएगा, तो 3 × 7 = 21, 7 बार, 7 × 2 = 14 और 7 =
21, 22 यहाँ भी आदि बचा है। अब हमें इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। विच लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12, मतलब दूसरे में 12 छोड़ रहे हैं, दूसरा 24 में 12 है। नहीं तो एक ही तो नंबर चाहिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, या फिर उन दोनों का फिर एलसीएम ले लें। देखो समझ लो, 232 एक से आया और 224 में 12 जोड़ो और उसका वो भी लो। सर एक बार समझो, फिर से समझा रहे हैं। मान लो उसमें उतना रिमाइंडर छोड़े और उसमें उतना रिमाइंडर छोड़े, बात समझ में आई। जैसे मैं एक और भी ट्रायल कर रहा हूँ कि 30 है, इसमें दो रिमाइंडर छोड़े और इसमें चार, तो दो रिमाइंडर छोड़े तो क्या 32 हो गया, और चार छोड़े तो 34 हो गया। और इन अब इन दोनों का जरा एलसीएम लो, उससे जो आएगा वो वही काम करेगा। समझ में आई बात? तो इस चीज को करके देख लें, नहीं तो मैं देख ही लेता हूँ, आप सीधा ही देख लें, तो वो ये भी हो सकता है। एक मतलब Find the smallest number which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively. So, समझो। चलो कोई बात नहीं, अब देखो एक अच्छा तरीका बताते हैं। दो तीन तरीके इसमें नहीं है, एक तरीका बता रहे हैं। ये गलत तरीका था, क्यों इसको कहते हैं? लेट द नंबर इज x, ठीक है, लेट नंबर इज x, तो x को जब मैंने किससे डिवाइड किया, 28 से। फिर से देखो, 28 से x में डिवाइड किया तो कुछ बार जाएगा और कुछ छोड़ेगा भी क्या। फिर से समझो, मान लो 3 से तुमने 7 में डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 और 1 छोड़ रहा है। नहीं तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि 7 इज इक्वल टू 3 इनटू 2 प्लस 1 बोलो। हाँ। क्या तुम यहाँ पर ऐसा समझ रहे हो कि x इज इक्वल टू 28 m प्लस 8 बोलो। अच्छा तुम ये समझो, यही वो नंबर भी है जो 32 के साथ किया जाए तो कितना छोड़ेगा। वेल क्या तुम ऐसा समझ रहे हो कि x इज इक्वल टू 32 एन प्लस 12 बोलो। कुछ नहीं, वही नंबर जब 32 से डिवाइड किया जाता तो कुछ बार जाएगा लेकिन 12 छोड़ेगा, वही नंबर जब 28 से डिवाइड किया जाता तो कुछ बार जाएगा लेकिन 8 छोड़ेगा। तो बोलो इससे सहमत हो, दैट इज डिविजन एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को क्या कहते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डिविडेंड। तो डिविडेंड किसके इक्वल होता है, दैट इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या मैं इनको सबट्रैक्ट कर दूं, तो देखो सबट्रैक्ट करने से क्या हुआ बोलो, यहाँ क्या आया 28 एम माइनस 32 और यहाँ क्या आया बताओ, माइनस 4 बोल, बात समझ में आ गई। अब जरा ये देखो माइनस 4 इधर ले आओ तो क्या ये 4 हो गया और माइनस 32 है, सही है। अब 4 से डिवाइड कर दू तो डिवाइडिंग बाय 4 से क्या ये 7 एम माइनस कितना आएगा, दैट इज 4 से करो 8, 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
एम की जगह 7 ले लूं और एम की जगह 6 ले लूं तो 47 और 48, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये है, इससे कम में नहीं आएगा क्योंकि ये को प्राइम है ना।
सो एम एन एन कैन है, अभी दूसरा मेथड बताना है इस सेशन इन, अगर एम और एन मिनिमम इतना रख दिया जाए तो उनका डिफरेंस वन होगा, देखोगे नहीं, सेवन सेवन जा 49 और माइनस सिक्स से एट जा तो बोलो 49 माइनस 48 से तो बनाएगा, तो देयर मिनिमम वैल्यू कितनी हुई बोलो, मिनिमम वैल्यू उससे कम रखोगे तो नहीं आएगा, m इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 6, अब तुम्हारी मर्जी, या तो m रख के x पालो या n रख के, तुम किसको रख के क्या पाना चाहते हो, मैं m ही रख देता हूँ, तो बोलो x क्या हुआ, और क्या, जब वो उसी इक्वेशन से ही निकाला, जरा देखो x की क्या वैल्यू आएगी, 7 8 जा 56 और 7 2 जा 14, तो 196 और प्लस 8 बोलो कितना आ गया 204, अगर दूसरे से रख दिया जाता तो क्या आता, शायद 12 और शायद 18 और प्लस 12 तो क्या आ जाता, तो 240 का डिजायर्ड नंबर दूसरा में तक चाहिए है, सो दैट इज द डिजायर्ड नंबर इज 204। चलो बताइए, ये हम फिर से बता देते हैं, अब देखो ये देखो आपके पास क्या है, एलसीएम निकालो, ये दूसरा मेथड है, हाँ 32 और 28 इनका एलसीएम निकाल दो, तो 2 से करो 16 और 14, 2 से करो फिर 2 से करो फिर 2 से करो फिर 2 से करो फिर 7 से करो, अच्छा इसका जो एलसीएम आएगा वो 32 इंटू 7 कितना होता है, 2 2 4 है, तो जो डिजायर्ड नंबर होगा ना इज इक्वल टू 2 2 4 माइनस 8 माइनस 12, जो रिमाइंडर बचना चाहिए वही है। अब इसका क्या जस्टिफिकेशन है दूसरे से, जिसके हाथ से जाता हुआ सवाल है वो कर सकता है, हमेशा और कुछ किसी को पूछना है तो पहले क्वेश्चन पूछ लो, ये कोई भी नहीं आएगा, पहले वाले एक बार पर मुझे लाइक कैन दिस माय रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ ए पॉलीनोमियल कैन एक्स माइनस वन रिमाइंडर बता दे रहे हैं, अदरवाइज अभी रुको उसको बता, किसकी छोटी बच्ची है
चलो अब देखो, हाँ देखो क्वेश्चन देखिए, ओके रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ टिकट एंड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर सिमरन, दैट इज एल्जेब्रिकली. So relation between cost of ticket and cost of food for Simran also represent. Ticket for a play can be booked online as well as purchased from theater. A 10% discount is available online ticket purchase. ठीक है. और Simran likes to watch plays. She purchased the ticket online for a play. The ticket and food cost her ₹600. The cost of food was 1/3. कॉस्ट ऑफ टिकट. दो चीजें बताई गई हैं. उसने 600 रुपए में खाना भी खरीदा और टिकट भी खरीदा. टिकट में उसको 10% डिस्काउंट मिला ऑनलाइन, लेकिन ये नहीं बताया गया टिकट कितने की, लेकिन 10% डिस्काउंट पाई है. उसने घर आके बताया मेरा 600 रुपए खर्च हुआ. बोले कितने खाना खाया? बोले जितने टिकट थे उसका 1/3 का खाया. वो सीधा जवाब देती नहीं तो क्या करें. तो दैट इज फूड. नेट कॉस्ट ऑफ फूड रुपीज एक्स है और कॉस्ट ऑफ टिकट क्या है? देखो कॉस्ट ऑफ टिकट वाई है, समझ में आया? और बोलो कॉस्ट ऑफ फूड कितना दिया है? 1/3. तो फूड कॉस्ट ऑफ फूड इट इज 1/3 इंटू कॉस्ट ऑफ टिकट. तो बताइए एक्स कितना हुआ? क्या 1/3 वाई हो गया? इतनी बात तो उसने बता दी. और अब जरा देखो, ये तो ऑफलाइन टिकट है जो वाई रुपी कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट पूछा टिकट का, लेकिन उसको तो 600 देना पड़ा ना. ये कौन सा टिकट? ऑनलाइन नहीं, ये उसने दिया है. वो पूछ रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टिकट. 10% डिस्काउंट. अब जरा देखें, जरा इसमें क्या चीज दी गई है कि कॉस्ट ऑफ टिकट. अभी रुको बता रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ. शी परचेज द टिकट ऑनलाइन. परचेज किया है तो ऑनलाइन किया गया है, तो उसने जो ऑनलाइन टिकट खरीदा है वो वाई माइनस सॉल्यूशन में ठीक नहीं दिया है. तो कॉस्ट ऑफ फूड 1/3 ऑनलाइन परचेज. सिमरन लाइक्स टू परचेज ऑनलाइन. अब द टिकट एंड फूड, द कॉस्ट ऑफ फूड वाज 1/3 द कॉस्ट ऑफ टिकट. कुछ ये सही नहीं बता रहा है. और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ फूड अभी बता रहे हैं. कॉस्ट ऑफ फूड, सुनो इस चीज को ना करें. दैट इज कॉस्ट ऑफ फूड 1/3 है जितना उसने एक्चुअल पे किया. अच्छा, तो ये जो भी है ना, इस वाई का 1/3 नहीं है और ये वाई एक्चुअल कॉस्ट है. बोलो कितनी कॉस्ट है? एक्चुअल कॉस्ट. अब देखें सिमरन पे, सिमरन ने कितना पे किया होगा? सिमरन पे वाई में से 10% कम कर दे क्या वाई का? भाई 10% हटा दो, वाई है लेकिन उसे तो इतना 10% घट गया ना. 10% ऑफ वाई जितने टिकट का कीमत होगा तो 10% ऑफ वाई. वाई माइनस 10% ऑफ वाई, ये क्या लिखा है मैंने? वाई माइनस 10% तो समझते हो ना, 10%. अब देख ये चीज है, अभी बता रहा हूँ कि उसने कहा है जो खाने में खर्च किया है और जो टिकट पे खर्च किया खाने में 1/3 किया है. अब मैं ये निकाल ले रहा हूँ कि सिमरन ने टिकट पे खर्च कितना किया. देख लो ये कितना हुआ, क्या वाई माइनस 1/10 वाई? बोलो वाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 1/1 माइनस 10 सौम्य कितना होता है? 1/9 9/10. इतना उसने टिकट पे खर्च कर दिया, 9/10 हुआ कि नहीं?
अच्छा अब बताओ x कितना है? उसने घर में आके बताया वो, उसने मम्मी को ये नहीं बताया मैंने ऑनलाइन जो है कुछ लिया। ये देखो वन थर्ड ऑफ 9y/10, बोलो बात समझ में आ गई? एक्चुअल कॉस्ट का वन थर्ड है। जितना बता रहा हूँ आप सुन नहीं रही, आप बार बार अपने में जो मन में वही घुमा रहे। मैं बोल रहा हूँ कि जितना उसने पे किया उसका वन थर्ड है, सही है? अब इन दोनों में उसकी कितनी कीमत लगी, बोलो एक्स प्लस 9y/10 में क्या 600 रुपए खर्च हो गया? ये फूड है और ये टिकट पे, टिकट खर्च किया कि नहीं? तो ये फूड भूखी तो रहेगी नहीं वहां, और टिकट इतना हुआ। नेक्स्ट को क्या लिख सकते हैं वहां से देखो, क्या 3y/10 लिखते हैं? तो देखो 3y/10 और इसे क्या लिख सकते हैं 9y/10, क्या यही 600 है? सही है। अच्छा 1/10 कॉमन लेके उधर ले जाओ, तो कहीं आप इसे 3y + 9y/10 तो नहीं समझ रहे? तो क्या इसे आप 12y = 6000 समझ रहे हैं? तो y को कितना समझ रहे हैं? 500 रुपए। तो 500 रुपए उसने किसमें खर्च किए? 500 रुपए की एक्चुअल कीमत है टिकट की। तो इट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ टिकट। अच्छा सिमरन कितना पेड की? सिमरन पेड फॉर टिकट, बात कर रहे हैं, आता है तो थोड़ी देर कोई बात नहीं, मान लीजिए आपको चीजें आती हैं तो अच्छी बात है। सो 9/10 × 500 तो कितना हो गया 450। और खाना कितने का खाया? सो इसके 1/3 का खाया होगा। तो सिमरन पेड फॉर फूड क्या 1/3 × 450 नहीं दिया 150। और कितना टोटल खर्च किया? 600। सही है, एक्चुअल कॉस्ट है वाई। सिमरन ने कितना पे किया? सिमरन पे सुन लो y - 10% of y, बोलो सही है? लेकिन 10% होता कितना है बताओ जरा, y - 10/100 of y। अब ज्यादा क्लियर हुआ? सही बात है कि नहीं? और देखो फिर y कॉमन ले लिया, 1 0 काट दिया, सही चीज है। और जो ये है उसका 1/3 उसने खाने में पे किया, और फिर वो जो है दोनों को जोड़ के ये क्या हमने लिखा है? और क्लियर कर देते हैं कि फूड प्लस टिकट, फूड प्लस टिकट परचेस्ड, परचेस्ड लिखो टिकट नहीं लिखो, टिकट परचेस्ड यही 600 है। तो टिकट कितने में परचेस की? 9y/10 में। और फूड कितने का खाया? x, x की वैल्यू डाल दो, सही है। और बोलिए नंबर 4, पेज नंबर 37। मीना बैंक में 2000 रुपए उसने निकाला और उसने कहा 100 और 50 के नोट दें, ठीक है 100 और 50 के। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपी 100 एक्स लेके आई, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपी 50 वाई लेके आई। तो उसने 25 नोट लिए, तो बोलो उनकी संख्याओं का योग कितना हुआ? 25, 25 नोट लिए और उसकी वैल्यू डिनोमिनेशन कितनी हुई? अगर x नोट लेके आई तो क्या 100x नहीं आए? 5 नोट मान लो लिया, तो 500 रुपए नहीं हो गए? और जितने y के लाई होगी तो y में 50 का मल्टीप्लाई करो तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। अच्छा क्या यही 2000 है? सही है, क्योंकि नंबर ऑफ नोट से उसके वैल्यू का मल्टीप्लाई करो। तो अब इन दोनों में आप 50 से डिवाइड कर लो, 50 से करो डिवाइड, डिवाइड बाय 50, तो बोलो यहाँ क्या आएगा 2x, यहाँ क्या आएगा? और 50 से जरा यहाँ तो करो, देख लो करके, 50 से करके देख लो,
बताओ कितना आएगा पट्टी, ये चीज इसके नीचे लिख दो तो बोलो x प्लस वाई है। अब ये सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि साइन सेम था तो सब्ट्रैक्ट किया तो x कितना हुआ 15 नोट किसके लेके आई है तो 15 नोट्स रुपए x के हैं तो बचे 10. y के 10 हुए सो x प्लस वाई 25 और 15 नोट इसके हैं तो बोलो y कितने हुए 10 नोट्स तो 10 नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 15 नोट्स ऑफ रुपी 100 तो भाई 1500 रुपए वो हो गए और 10 नोट में 500 नहीं हो जाएंगे तो 2000 रुपए तो ले आएगी। ये लो आप देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है 57 पेज का लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट फिर हम समझ लो। देखो पेज नंबर निकालो 33 निकालो अभी आपको बता रहे हैं पेज 33 निकालो ठीक है कोई बात नहीं एक्सरसाइज 2.2 निकालो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसमें सम ऑफ जीरोस दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इज 1/4 और अल्फा बीटा कितना दिया है -1 तो लिखो सी बाई ए -1 यहाँ ऐसी चीज लिखो कि ए दोनों में समान आ जाए तो बोलो मैं क्या करूं इनटू 4 इक्वेशन इधर देखिए इनटू 4 अगर मान लो इन दोनों में क्या चाहिए दोनों तरीके बता दे रहा हूँ ये ए समान आ जाए तो मैं इसमें इनटू 4 कर दूं तो अब इससे क्या हो जाएगा सी बाई ए -4/4 और -b/a 1/4 तो ए कितना आ गया दोनों में देखो ए 4 और बी -1 और सी -4 तो फिर इक्वेशन क्या हो गई पॉलीनोमियल 4x² -x -4 बोलो बात समझ में आई। अब दूसरी तरीके से देखो एक तो ये भी तरीका है और दूसरा तरीका बोलो px क्या होता है pk और x² माइनस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ सही कह रही हो वही चीज लिख दी है तो बोलो के और x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है यहां से देखो और इससे -1 एलसीएम ले लो तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और के को क्या रख दो अगले स्टेप में 4 नहीं रखोगे तो बोलो px क्या हो जाएगा बात समझ आ गई ऐसे सारे सवाल कर लोगे। अच्छा अब देखो एक सवाल और इसका बता दें थर्ड भी देख लो कैसे करेंगे दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू के अल्फा प्लस प्लस अल्फा बीटा तो बताओ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखे और यहाँ रूट फाइव के को क्या ले लें के इज इक्वल टू 1 तो पी एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव सही है। अब जरा देखो कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट के एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फर्स्ट का थर्ड देखो ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत स्कोरिंग है ये दो सवाल इसके सवाल कोई भी छोड़ना मत नहीं तो यू हैव टू पे कॉस्ट। अब देख लो 6x² - 3 - 7x
तो 6x² - 7x - 6 - 3 - -18 के दो टुकड़े करो -9 तो 6x² - 9x + 2x - 3 तो इससे क्या हो जाएगा 3x सो 3x - 3 और प्लस 1 2x - 3 तो यहाँ क्यों बदला 2x - 3 तो बोलो 3x + 1 और यहाँ क्या आएगा 2x - 3 ये तो सब चीज हो गई पंचुएशन सारे रखिएगा फोर जीरोस क्या होंगे या तो 3x + 1 = 0 और या 2x - 3 जीरो है तो बोलो x कितना हो गया और x कितना हो गया एक सवाल और बताएंगे 4u² + 8 वेरीफाई कर लेना वेरीफाई तो कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ कर दें हो जाएगा अब देखो एक ये देख लो दैट इज फोर्थ पार्ट 4u² + 8u तो 4u बस कॉमन ले लो यहीं पर असल में टी यू लिखना जरूरी है अब देखो फोर जीरोस क्या होगा तो ये तो 4u जीरो है या u प्लस 2 तो u 0/4 और यह u कितना हो गया तो u = 0 और u = -2 लेकिन फाइनली लिखेगा 0 and -2 are its 0 0 are its 0 जितनी बात समझ में आ गई अच्छा आप 57 पेज पे वेरीफाई कर लोगे कि करना है बोलो बताओ सर 3.3 के सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर देखो लेट द फ्रैक्शन इज एक्स वाई वाई लेट बोलो फ्रैक्शन क्या है एक्स वाई वाई और न्यूमरेटर में कितना जोड़ दिया जाए 1 और डिनोमिनेटर में 1 सेपरेट कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 1 हो जाता है इसको सिंप्लीफाई करो तो बोलो एक्स प्लस 1 कितना हुआ वाई माइनस 1 तो बोलो एक्स माइनस वाई कितना हुआ -1 - 1 तो एक्स माइनस वाई कितना हो गया क्या -2 और दूसरा क्या कह रहा है अच्छा फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2 यदि मैं डिनोमिनेटर में ही सिर्फ एक जोड़ू तो क्या हो इफ वी एड 1 टू डिनोमिनेटर तो ये देख लो तब ये कितना हो जाएगा देखो y प्लस 1 बोलो कराना अभी मैं केस के करा देता हूँ आपका केस का कोई छूटेगा नहीं जो केस स्टडी बेस्ड है ना वो वाले मैं सब कराऊंगा ये देखो तो 2x - y दो ही चार है बस वही आते हैं वही तैयार करके चले जाओ ये चीज हो गई अब इन दोनों को एक साथ भिड़ा दीजिए दैट इज -2 तो माइनस प्लस बोलो कितना आ जाएगा x3 आ गया और x को किसी में पुट करो x - y = -2 क्या x को 3 रख दें तो बोलो 3 + 2 कितना हुआ y क्या 5 आ गया तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5 अगर मैं y में एक जोड़ दूं तो क्या ये 1/2 बन जाएगा चेक करो 1 जोड़ दो इसमें और इसमें एक जोड़ दूं और इसमें एक घटा दूं तो 1 बन जाए एक जोड़ो और एक घटाओ तो ये 4 हो गया और ये 4 तो 1 अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो 1/2 हो जाए तो बोलो वेरीफाइड है चलो अगला बताइए एक लग सर ये थर्ड वाला सेकंड का थर्ड देखो ये अच्छा क्वेश्चन है सो सेकंड का थर्ड जस्ट अभी
सेकंड का थर्ड कोई क्वाड्रेटिक का भी किसी का डाउट हो तो पूछ लेना. सो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. टू डिजिट है तो लेट टू डिजिट नंबर इज 10x + y और बोलो इनके डिजिट्स का सम. देख लो मान लो 23 है, सुन लो ये 45 है टू डिजिट नंबर, तो क्या आप इसे ऐसा लिखेंगे 10 × 4 + 5 तो लेकिन इन दोनों डिजिट्स का सम क्या है? तो यानी आप ये सोच रहे हैं कि x प्लस वाई 9 है क्या? बोलो अब सम ऑफ टू डिजिट आल्सो 9 times of this number इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर. अगर मैं रिवर्स कर दूं ऑर्डर तो क्या ये 10y + x हो जाएगा? बोलो 9 times of this number इज 2 times. रिवर्स कर लो मान लो 10 × 5 और प्लस 4 लिखती हो तो क्या 54 नहीं जाएगा? तो मैं तो वही कहिया तो 10 × y + x लिख दिया तो 54 हो जाएगा. यानी वो कह रहा है कि जो भी नंबर है उसका 9 गुना यदि नंबर को पलट दिया जाए तो उसके दुगने के बराबर है. मान लो जैसे कोई नंबर 18 है और उसका 9 गुना करो और पलट के 81 करके उसका दुगना करो तो 18 या कितना होता है 162 और ये 162 है तो क्या इक्वल हो जाएगा? अब क्या इन संख्याओं का योग भी 9 है? ऐसा ही वो कुछ कह रहा है. मान लो इस संख्या का 9 गुना यदि संख्या के स्थानीय मान को परिवर्तित कर दिया जाए तो उसके दुगने के बराबर होगा. सही है ये वाली ना, ये वाला टू डिजिट नंबर हमेशा क्या होता है बताओ 10x + y जो टेंस प्लेस है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? देख लो 10x + y अगर मैं कहूं 345 तब तुम्हें 100 × 3 करना पड़ेगा प्लस 10 × 4 और प्लस 5 थ्री डिजिट जो उसकी प्लेस वैल्यू तभी मल्टीप्लाई करोगे तभी वो सही जगह पहुंचेगा. तो क्या यहाँ 300 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा यहाँ 5 ऐसे ही तो मैंने किया. तो जो टेंस के प्लेस पर उसे टेंस से मल्टीप्लाई तो करो तभी तो टू डिजिट नंबर बनेगा. और ये वो नंबर है और ये कौन सा नंबर आया? अगर रिवर्सिंग द ऑर्डर रिवर्स करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए 10 × 5 + 4 कर दो क्या 54 नहीं आ जाएगा? ये फिर से बता दें क्या क्या आ गया? आ गया ना. तो रिवर्स करना चाहते हो तो आपको क्या कर लो बोलो 10 × 5 + 4 करो तो क्या 50 + 4 उल्टा नहीं हो गया नंबर? तो सिर्फ आपको 10y + x लिखना है. सो 9 times of this number इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. बोल सही है तो क्या लिखते हैं 90x + 9y इट इज 20y प्लस सब चीज उधर ले जाओ तो 90x - 2x प्लस 9y - 2y. सही है तो बोलो क्या 88x आया है और उधर क्या आया -11y आ गया. अगर 11 से डिवाइड कर दिया जाए तो 8x - y 0 और उसके नीचे ये लिख दिया जाए x + y = 9 तो बोलो क्या आ जाएगा? क्या 9x = 9 आ जाएगा? ऐड कर इसको भी नीचे लिख दिए अपोजिट साइन तो कट गया अब तो 9x क्या हो गया? तो बताइए x कितना हुआ और अगर x 1 है तो x + y कितना है? फिर से समझा देंगे तो अब ये x 1 है और 1 + y 9 है तो y कितना हो गया? 8 हो गया. सो नंबर इज x किसकी जगह है यहां पे रख दो 10 × 1 + और y की जगह क्या रख दो 8 सो दैट इज 10 + 8. सर एक बार एग्जांपल 10 भी करा पहले इसी को समझा दे सौम्य को. अब देखो किसको पूछना है फिर से बता दें. अच्छा मैं वो इस तरह से पूछना चाहती थी कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है फिर डिफरेंस ही आता है और हम डिफरेंस इस तरह से निकाल नहीं पाते तो
उसमें अलग अलग लाइन खींच के बीच में करना पड़ेगा तो केस वन और केस टू, केस वन केस टू का भी क्वेश्चन है। तो ये देख लो कि ये मान लो 62 है, ठीक है, और कहा जाए इफ सम ऑफ नंबर इज 8, क्वेश्चन क्या बन रहा है, इफ सम ऑफ नंबर्स ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर इज 8, और अब यदि संख्या के मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो इनका सबट्रैक्शन क्या बन रहा है बोलो, और ये कितना आया 5, तो 36। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इफ प्लेसेस आर इंटरचेंज देन न्यू नंबर इज 36 लेस देन द प्रीवियस नंबर, बोलो बात समझ में आ गई, इफ प्लेस ऑफ डिजिट, प्लेस ऑफ डिजिट इज इंटरचेंज तो क्या होगा, देन न्यू नंबर फॉर्म इज 36 लेस देन द प्रीवियस नंबर, फाइंड द नंबर। अब सौम्य तुम ये बताओ कि मान लो मैंने क्वेश्चन इसको देख के बना दिया, आपको 62 था और हमने कहा था 62 पे क्वेश्चन बना, तो आपने बना डाला। अब जरा मुझे ये बताओ कि लेट नंबर एट टेंस प्लेस क्या है एक्स, और नंबर एट वंस प्लेस क्या है वंस प्लेस वाई, तो मुझे बता सकते हो कि वो नंबर क्या होगा, बोलो यदि टेंस प्लेस पे ये है 62 तो क्या तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे हो कि उसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तभी उसे उसी उचित स्थान मिलेगा, तो मैं सो नंबर इसका लिख दूं 10x+y, सही है, और x प्लस वाई कितना बताया गया बोलो, लिखूं इस बात को, अच्छा x प्लस वाई तो मैंने 8 लिख दिया, और इस नंबर और नए नंबर में डिफरेंस कितने का 36, अच्छा वो इस नंबर का नाम बताओ 10x प्लस वाई, और नए नंबर का नाम बताओ 10y प्लस x 36, तो ऐसी स्थिति में 10x2 नहीं करना पड़ेगा, हाँ। तो 10y, यही तो y है 10y+, तो क्या लिख दोगे 10y+x, और यही क्या 36 है, समझ में आया कि नहीं, तो अब देखो 10x और ये माइनस x है यहाँ लिखो, और ये y है और माइनस 10y, तो दिस इज इक्वल टू 36, ये देख लीजिए, तो 9x माइनस 9y, और अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए 9 से तो क्या हो जाएगा x माइनस y, और ये क्या है x प्लस y कितना है, और यदि y कट जाए तो 2x कितना आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, और बोलो x प्लस y कितना है, x प्लस y 8 है, तो 6 रखा तो ये 8 है, तो y कितना आया 2, और नंबर किसे माना था 10x प्लस y, तो 10 × 6 और प्लस 2, तो आपको क्या पता चला, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, अब अगले सवाल पूरा लगेगा, उधर हमें दिया है कि जो पहला नंबर हमारा जो ओरिजिनल नंबर है कुछ भी बोल सकता है उसकी मर्जी, कहे दुगने से 4 गुना है 5 गुना है, वो तो खेल करेगा, उसके खेल में फंसना नहीं है, कह रहा है इसका 9 गुना उसके दुगने के बराबर है, करने तो उसे जो करना है, केसी तो उसे बनाना, अपने मन से कुछ भी लिखवा दो, 89 लिखवा दे तो अपने आप करो कि सम ऑफ नंबर इज 17, और फिर इसका पलट दो और कह दो कि नया नंबर ज्यादा है 98, कितना ज्यादा, खुद ही बना लो सवाल, 10 सवाल बना लो बच्चों को दे दो और टहलो क्लास में बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, बात की नहीं, कोई उसमें कुछ करना धरना नहीं है, तुम खुद ही बना लो 98 का, कोई किताब की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें आज नहीं पढ़ाना है, अपना 10 सवाल दे दो बच्चों को टहलो, ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे देखें, एक हम और क्वेश्चन इसमें बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिजिट नंबर का एक क्वेश्चन और,
अब उसमें दो केस बन रहे हैं, देख लो सिर्फ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। सो एग्जाम्पल 13 देखिए। सो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। बोलो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी 60? हमसे सुन लो, बस बना लो। दैट इज द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x। लो बता दिए मैंने, जबकि सृष्टि से पूछा था। नहीं तुम बोलती नहीं हो कि क्यों मैंने बता दिया तुम्हारी जगह। चलो तो कह रहे हैं कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, लेट टू डिजिट नंबर इज क्या है, टेन एक्स प्लस वाई आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट टू डिजिट नंबर, रिवर्सिंग डिजिट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, और इन दोनों का सम क्या है, क्या यही 66 है? तो बोलो 10x में x जोड़ो, 11x और प्लस 11 से डिवाइड कर दो, सही है नंबर? ठीक है, एक दो संख्याओं, दो अंकों वाली संख्या तथा अंक दो अंकों वाली संख्या के स्थान पलटने पर बनने वाली संख्या का योग 66 है। यानी समझ आया, दो अंकों से बनने वाली संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन के बाद बनने वाली संख्या का योग 66 है, तो वह संख्या बताइए और उन दोनों संख्याओं में अंतर दो है। लो और बोलिए, अब तो दो केस बन गया, अब अंतर में एक्स बड़ा है कि भाई पता ही नहीं चल रहा। सवाल में क्या कह रहा है देख लो, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन दोस टू नंबर्स क्या है, तो दो केस कह रहा है। ये देख लीजिए, डिफरेंस टू का है इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या फिर क्या हो सकता है, ये अगर मान लो मनीष और रोमिल में इनमें जो इन दोनों की पैदावार में 2 महीने का अंतर है, पैदा हुए हैं लेकिन कैसी पैदावार है? तो अब जरा देखो, तो x माइनस वाई 2 भी हो सकता है और y माइनस x क्या हो सकता है, ये भी 2 हो सकता है बात की नहीं। अब यहां तक आगे की बात करें कि जो रो के मिले वो रोमिल और जो मन के मिले नाम कि भाई बहुत दिनों बाद मिले हो रो रहे हैं। अब बात देखें, हमें उनसे क्या लेना देना, हमें अपना काम करना है। सुनो देखो, डिफरेंस एक एक्स माइनस वाई टू और एक वाई माइनस एक्स, तो दोनों को सॉल्व कर लो। बोलो 2x कितना हुआ, तो x कितना हुआ, इन दोनों को देखो, x कटा तो 2y कितना हुआ, तो y कितना हुआ, अगर x 4 है तो y निकालो, x plus y 6 है तो 4 plus y 6 है तो y कितना हुआ, तो y 2 है और x 4 है तो नंबर कितना हुआ, और x plus y 6 है, x को मैंने y 4 रख देना, तो बोलो x कितना हुआ, अब नंबर क्या होगा, सो द नंबर इज 42। नंबर क्या है, 10x प्लस y, सो 10 इंटू 4 प्लस 2 42। नंबर इज 10x प्लस y, तो 10 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 20। अगला सवाल पूछिए, बोलो एपी के शुरुआती
वो मतलब उनका चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो ऐसे पानी इतना भर रहा है पिछले इमरजेंसी के लिए देख लो, इतना याद रखना, इतना याद रखो कि तुम्हारी जीत हो जाएगी, वो चक्रवृद्धि ब्याज इसी से निकाल अब सुने सुनोगे तो काम बन जाएगा. A train travels a distance of 480 kilometer and 20 miles. So, let me see of train. It is equal to 1 kilometer per second per hour. ठीक है? और जरा देखो कि टाइम क्या होता टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये सोचें ये हंसे फिर हम उससे तेज बोले, ये सोचें पांच ही घंटे तो सर बोले हैं अब हमसे भी तेज बोलेंगे, उनको बोलने में क्या जाता है, फ्री की एनर्जी है ये, मतलब अपने चक्कर में है. अरे सर एक्सरसाइज बताना पुराने. अरे चलो सर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है अभी, इसको चार्ज कर देते हैं. इसको ध्यान नहीं रहता है क्या? हां मैं अभी बैठी रहती हूं, मुझे दिखाई नहीं देता. 5% अभी काम बना देगा, करा दे. देखो शांत रहोगे तो हमारा भी ख्याल हो जाएगा, और नहीं तो 3 घंटे तो सुबह भी बोले. हाँ नहीं हम कहते बोलो, लिख लिख के बोलो. ऐसा क्या तुम कागज में लिख के बोल दो. चलो सुनिए अब ध्यान दो कि टाइम इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. वैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो वो कह रहा है कि अगर उसको एक्चुअली 480 बाई एक्स से चलना चाहिए था, ये एक्चुअल टाइम है, लेकिन मान लो वो 8 किलोमीटर पर आवर स्लो चला तो लेट होगा कि जल्दी, लेट होगा. तो जो टाइम लेट का है और माइनस एक्चुअल, उसमें कितने का डिफरेंस है, 3 आवर्स. तो लेट का टाइम क्या हुआ बताओ, लेट दैट इज 480 बाई एक्स माइनस 8, और ये कितना है, 480 अपॉन एक्स प्लस 8. क्यों कह रही हूँ, और जो उसका एक्चुअल टाइम है वो है इट वुड हैव. ठीक है, जितना लिखा है उतना ही करो अपने मन से, नहीं सवाल देखो ना. यदि वो 8 किलोमीटर पर आवर धीमी हो जाए तो उसको 3 घंटा ज्यादा लगे, इतनी तो बोला. अब ये देखो 480 कॉमन ले लो तो 1 अपॉन x माइनस 8 और माइनस 1 अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 3. अब x और x माइनस 8 तो बताओ अंदर क्या बचेगा, x माइनस इट इज इक्वल्स टू 3. क्या x कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 480 और अंदर प्लस 8 आएगा, और इन दोनों चीजों को उधर ले जाओ और x माइनस, सही है. ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि 3 से डिवाइड कर दो तो और कम हो जाएगा, तो 480 इंटू 8 बाई 3 इट इज इक्वल टू x और x माइनस 3 से काटिए कितना आया, बोलो 16 एट जा 16 x 28 12 x² - 8x, सही है. तो x² - 8x - 1280 ये कितना हुआ, 0. तो अब 1280 को ऐसा तोड़ो कि 8 आ जाए,
बताइए माइनस 40x प्लस 12 कितना माइनस 40x प्लस 32 चलो सो दैट इज 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x 4 दूनी 8 और 4 चाहिए और माइनस 1280 तो x माइनस 40 और प्लस 32 क्या यही 0 है तो x प्लस 32 और x माइनस 40 क्या यही 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 32 और 40 सो इट इज रिजेक्टेड इट इज सेलेक्टेड सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हुई 40 किलोमीटर पर आवर अगला सवाल बताइए सर मेरे को है एक अर्थमेटिक प्रॉब्लम टाइम लेट और एक्चुअली में 3 घंटे का डिफरेंस है 4.2 सर 3.5.2 समझा दे इस क्वेश्चन को कि मान लीजिए ये है तो 40 है उसे एक्चुअली कितने में पहुंचना चाहिए 480 बाई 40 करो तो कितने पहुंच जाना चाहिए 12 घंटे में 12 बार लेना चाहिए और अगर वो 32 8 इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दो 32 तो अब जरा इसको 16 से काटो 16 2 जा 32 और 16 3 जा अब क्या 15 घंटे में पहुंची क्या 3 घंटे लेट हो गई अगला सवाल क्या है 5.2 ये लो अब कितना 5.2 का 80 से ये देख लो एक्सरसाइज 5.2 18 क्वेश्चन सम ऑफ फोर्थ एट टर्म ऑफ एपी जरा देखो A4 और प्लस A8 ये कितना है 24 है क्या ये A प्लस 3D है और A प्लस 7D तो बोलो 2A प्लस 10D 2 से डिवाइड करो पूरे में तो A प्लस 5D कितना आ गया 12 और कह रहे हैं 6th और 10th टर्म का सम वो कितना है 44 तो a प्लस 5d और प्लस a प्लस 9d तो बोलिए 2a प्लस 14d कितना हुआ यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा वही इसके नीचे लिखो तो a प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करो तो बोलो क्या आ जाएगा ये चला गया और माइनस 2d कितना आ गया तो बोलिए डी कितना आ गया 5 आ गया डी के 5 आने के बाद ए निकालो सो ए प्लस 5d कितना है 12 ए प्लस 5 × 5 क्या है 12 तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 25 तो क्या ए माइनस 13 हुआ ए के आने के बाद 5 जोड़ते जाओ और एपी बनाते जाओ तो सो एपी इज 13 माइनस 13 में जरा 5 जोड़ो माइनस एट और 5 जोड़ो सही है 5 ही तो जोड़ना है कि आप कितना जोड़ रहे हैं ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए इसी एक्सरसाइज का वो नहीं आएगा वो सब नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट है सुन लो 3.1 का 7th क्वेश्चन ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का 7th क्वेश्चन देखिए देयर आर ड्रॉ द ग्राफ x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अच्छा देखो अगर मैं x को 0 रखूं तो 0 माइनस y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो बोलो क्या चीज आ जाएगी y उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू y तो 0 1 इसका कोऑर्डिनेट हुआ अब x को कुछ और रख दो वन रख दो तो क्या होगा बोलो
वन माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो टू माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई कितना आ गया टू, तो बोलो वन टू कोऑर्डिनेट हो गया, सही है। अब एक ग्राफ में ये दोनों प्लॉट कर लो और ये लाइन प्लॉट कर लो, दूसरा भी तो निकालेंगे, दूसरा भी निकालें, मतलब अभी पहले पहली इक्वेशन निकाल लो, तो जीरो वन और वन टू निकालो, देख लो ये है जीरो वन और ये वन, तो बोलो ये लाइन बनी, ये आ गई लाइन, देख लो जीरो वन वन टू, और इस पे ये इक्वेशन लिख दो एक्स माइनस वाई और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वन टू कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ लिख भी देंगे वन टू और जीरो और एरो लगा देंगे वाई वाई, सारे पंचुएशन करेंगे तभी मार्क्स रहते हैं वहां पे, और नंबर भी लिखेंगे और वन वन टू थ्री ऐसे सभी नंबर लिखेंगे। अब अगला देखो, तो दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व, तो दूसरी इक्वेशन निकालिए 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, x को 0 ले लो, तो बोलो क्या होगा 3 into 0 plus 2y minus 12 is equal to 0, तो 0 plus 2y, तो बोलो y कितना आ गया, तो 0 6 हो गया, और अब x को 1 ले लो, तो मान लीजिए 1 ले लिया तो 2 ले लो, x को 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 into 2 और प्लस 2y is equals to 12, तो बोलो 6 प्लस 2y, तो बोलो 2y कितना हुआ 6 हुआ, तो y कितना हुआ, तो 2 3 इसका सलूशन हुआ 0 6 हुआ, तो अब 0 पे 6 लो 4 5 और 6 और एक ले लो 2 पे, 2 पे कितना ले लो, ये 3 आ रहा, तो एक हो गया x एक्सिस पर, यहाँ पर एक तो हमने x को 1 ले लिया था, चलो ये 6 है 3 4 5 6 और ये 3 है, ये देखो 3 है, तो इससे मिलाओ, तो ये कौन सी लाइन हुई, दैट इज 3x plus 2y minus 12 is equals to 0। अब वो कह रहा है कि ऐसा करने पर x एक्सिस और दोनों लाइन के द्वारा बनी हुई, अब मेरे हिसाब से तो ये 3 पॉइंट आ रहा है, 1 2 3 3 पे कट कर रहा है, तो मैं अभी देख लेता हूं कि 3 पे कट कर रहा है कि नहीं, यदि मैं y 0 डालूं और 3 आ जाए तो सही है, नहीं तो नहीं कर रहा। देखो अगर मैं y 0 डालूं तो 4 आ रहा है कि 3, y तो यहां 0 है ना, डालो इसी में, तो ये 3 पे नहीं कट करेगा, ये कहां कट करेगा, मैंने लाइन थोड़ी दबा दी है ना, तो ये कहां आगे जाके कट करेगा, बोलो फोर पे कट डाल के देख लो भाई, जीरो तो एक्स कितना आया, ग्राफ पे करोगे तो आ जाएगा, तो फोर जीरो पे कट करेगा, नहीं तो यहाँ एक पॉइंट ही बना लेना भाई जीरो डाल के, तो अब बताओ ये माइनस वन पे कट करेगा, और नहीं तो डाल के देख लो भाई जीरो डालो जरा, क्या एक्स माइनस वन नहीं है, अब बोलो यहाँ से यहाँ तक कितनी इसकी बेस हुई, ये फाइव हुई, और इसकी हाइट बताओ जरा, ये कितनी हाइट है, क्या ये 3 है, तो ये 3 हो गई, और अगर मैं इसको पूरे को करूं तो एरिया कितना हुआ, चलो अब जरा देखो एरिया x एक्सिस के साथ बनने वाला, तो एरिया कितना हो गया बताइए, हाफ इंटू हाफ इंटू 5 और इंटू So 15 by 2, so that is 7.5 सेंटीमीटर, पीछे आंसर मिलाओ क्या, एरिया तो बोला ही था, अच्छा अच्छा सिर्फ शेड करना, वर्टिसेस दिखा देना, तो माइनस 1 0 और ये क्या है 2 3, और कुछ पूछना है, केस स्टडी करा, चलो अलग से बताएंगे सर, थर्ड चैप्टर जो है किस
टाइप का क्वेश्चन हो सकता है पांच नंबर का आ रहा ये के केस स्टडी ऑफ पॉलीनोमियल क्लस्टर। चलो अभी हम आपको मेन केस स्टडी दिखा रहे हैं और वही आएगी एक ही है। चलो दो तीन करा दे रहे हैं वही आएंगे। किसी में भी फोन लेना समय वही केस स्टडी है। समझो बात नहीं करो समझिए। द बिलो पिक्चर्स सुन लीजिए। द बिलो पिक्चर्स आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप। तो ये पैराबोलिक शेप आपको दिख रहे हैं सब में वही केस स्टडी है। आप सुन लीजिए। सो विच इज represented by quadratic polynomial. Parabola समझते हो ऐसा। So the parabolic arc is an arc of the shape of parabola in structure. This curve represents an efficient method of load. So can be found in bridges. तो ये load bearing structures होते हैं। अब कुछ चीजें पूछी जा रही हैं। ये सभी parabolic structure हैं। In the standard form of quadratic polynomial, ये a, b, c ये सब क्या हैं? क्या ऑल पॉलीनोमियल्स हैं या फिर ऑल रेशनल नंबर्स हैं या ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड ये सही है। अच्छा ए को तो अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर वो बनेगा ही नहीं क्वाड्रेटिक। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए देख लो। इक्वल बता रहा है तो जीरो होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए केस है यानी प्लस जीरो और माइनस जीरो तभी तो इक्वल आएगा। डी जीरो हो जाएगा तो ना कुछ जुड़ेगा और ना घटेगा क्योंकि प्लस माइनस रूट डी होता है कि नहीं। अच्छा अगला देखो भाई यार देखे ए एंड वन बाई ए आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ए अल्फा और ये है तो के की वैल्यू देखते हैं। चलो ये चीज देखें कोई बात नहीं उसी ऐसा ही होता है। ओके सुनिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। डी अल्फा एंड वन बाई अल्फा क्या है जीरोज है तो और आपके किसके हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस प्लस एट के इसके दो जीरोस क्या है बोलो अल्फा एंड वन बाई। अच्छा कोई मुझे बताएगा इनका प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई ए तो वन इज इक्वल्स टू सी यहाँ क्या दिख रहा है एट के बाई टू तो बोलो एट के क्या आ गया तो बोलो के क्या आ गया वन बाई फोर तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ देखिए द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ये देखो डी तुमको ये बात किसी ने बताई है कभी कि ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का है देख लो। हाँ और अगर वो वाई ये बात समझ आई क्योंकि जरा देख लो वाई क्या है एक्स स्क्वायर ध्यान दीजिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये ग्राफ जो होता है एक्स स्क्वायर का जरा रखो जीरो रखो एक्स को तो वाई क्या हुआ जीरो हुआ एक्स को माइनस वन रखो तो वाई क्या हुआ वन और एक्स को वन रखो अच्छा एक्स को टू रखो तो वाई फोर और एक्स को माइनस टू रखो तो फोर। अब देखो सब पॉइंट आ गए मतलब वन रखने पे कितना आ रहा है बताओ वन और माइनस वन पे कितना आया जरा देखिए आप ये है तो ये देखिए वन पर वन आया। अच्छा कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा टू पे फोर ना आ जाए वन टू और थ्री और फोर आ गया क्या बोलो तो वन पे वन आया और टू पे क्या आया और ये बताओ माइनस वन पे क्या आया माइनस वन पे वन आ गया और बोलो अगर माइनस टू ले ले तो क्या आ जाएगा
माइनस टू पे फोर, और ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू स्क्वायर। जरा देखो इससे एक पादान ऊपर चले जाओ वन, तो ऐसी स्थिति में ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का। एक पादान एक और ऊपर चले जाओ, क्यों? क्योंकि x के जीरो रखने पर भी y बन रहेगा, रखो जीरो तो एक और चले गए, तो बताओ ये किसका ग्राफ है? लो ये तो पूरा जानती है x स्क्वायर प्लस टू। अच्छा ये बताओ कि ये ग्राफ किसका है? लो हर चीज तुम लोग जानते हो, और ये ग्राफ किसका है फिर? x स्क्वायर माइनस वन। लो इन्होंने ये भी बता दिया कि और एक कम कर दो, सही है कि नहीं? x जीरो रखने पे तो अब तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई ना आपको कि ऊपर की ओर जाए तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वहां देखो कैसा ग्राफ है, तो आप समझ गए ना वो ग्राफ कौन सा। अब सवाल क्या सर, मुझे ये नहीं समझ आया कि यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 अपॉन 8 लिखा है, कहां पे मल्टीप्लाई किया? 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिससे भाई हमको समझ में प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो ताकि ना दिया हो, हम ऐसा ऐसा काम करेंगे कि सब खत्म हो जाए और हमारा के आ जाए। हम सम क्यों करेंगे, सम में फंस जाएंगे, वो अल्फा लेके हम कहाँ चलेंगे, खत्म करो सबको, के बचा लो सबको, खत्म करो। हैं वन लिख दिया अल्फा से, अल्फा काट के वन लिख दिया, के आ गया। वो ना भी दे, हम ऐसा काम करेंगे भाई, हमने तुमको क्या बताया कि कहे कि थ्री नंबर्स ऑफ एपी हैं और उनका सम 88 है, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो तुम खुद लेते हो कि नहीं? कहते हो भाई ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, और कहते हो इनका सम 88 है। अच्छा अभी रुको जरा, ए माइनस डी और प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, क्या 88 नहीं कर देते हो? और इनको इनको खत्म किया और 3 ए इज इक्वल टू मान लो 99, तो 99 बोलो ए हो गया 33, करते हो कि नहीं? और वही कह दे अच्छा चार नंबर है, अभी रुको, अच्छा चार नंबर है, ए माइनस वो सब हम बता ही देंगे, कहेंगे चार नंबर का सम 88 है। बोलो अच्छा समझो जरा, इधर डी डी जोड़ते जाओ, ए बी बन गया, डी डी जोड़ते जाओ, इसमें डी जोड़ो या इसमें डी, तो लेकिन हम उनको ऐड कर देंगे, ऐड करने से जो हमारा नेसेसरी खत्म हो गया। तीन नंबर दे तो ये लेना, चार दे तो ये लेना, है फर्स्ट नंबर ये ना, तीन ऐसे नंबर लो जिनके एडिशन से डी समाप्त हो जाता हो, है तो वही। और तुम सोचो नहीं हम तो ईमानदार हैं, ए प्लस डी लेंगे और ए प्लस टू डी, तो इन डी का करोगे क्या? फर्स्ट तो आपका क्या है, डी जोड़ लो ये आ गया, डी जोड़ लो ये आ गया, इसके पीछे वाली टर्म क्या होगी? ए माइनस डी, हमारी मर्जी, हम ये तीन ले रहे, सही है कि नहीं? और चार कह दे, कह दो चार है, हम छोड़ छोड़ के लेंगे ए माइनस टू डी, एक समझ में आ गई बात की नहीं, ए माइनस थ्री डी, तो अगर ये तो एक एक का अंतर है, लेकिन यहां तुम्हें ये मालूम चल रहा है कि टू डी का कॉमन डिफरेंस है, जोड़ो टू डी ये आएगा, फिर टू डी जोड़ो, कॉमन डिफरेंस आ गया, और फिर सबको जोड़ दो, तो जोड़ने पे क्या सब कट जाएंगे? जरा जोड़ो ए माइनस थ्री डी और प्लस ए माइनस डी और प्लस ए प्लस डी और प्लस ए प्लस थ्री डी, कितना आ गया? 3d से 3d कटा, d से d कटा, बोलो 4a कितना आ गया? तो a 22 आ गया कि नहीं? लेकिन कभी कभी कह देगा पांच टर्म है, तब क्या करोगे? पांच टर्म कह दे, ये लो इन्होंने पहले ही बता दिया, ये सब चीजें जानती हैं। That is a minus 2d, a minus d, a plus d और a plus 2d, अब फिर इनको जोड़ देना, तो कह दे इनका सम 100 है तो एक वैल्यू 20 जोड़ के दे, तीन कहे तो ऐसा लेना, चार कहे तो ऐसा लेना, और पांच कह दे, समझ में आ गई क्या? एक बार ऊपर के भी क्वेश्चन दिखा दो, हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। चलो तो इसका ग्राफ कैसा होगा? सुनो इन चारों में आंसर दो, अभी हमने सब आपको सिखा दिया है, हमने आपको क्या सिखा बताओ? ये देख लो कि x इज इक्वल टू y स्क्वायर, भाई यही तो हमने अर्पिता को सिखाया, x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस वन,
अब ये क्या सिखाया? एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है भाई चीज, हर तरीके से बता दिया, ऊपर नीचे इधर उधर. ध्यान दीजिए, ऊपर हो तो y is equal to x square, नीचे है y is equal to minus x square, और इधर हो तो x is equal to y square, और उधर हो. समझ में आ गई बात? और फिर और सब्ट्रैक्ट करते जाओ माइनस वन माइनस, इतनी बात समझ में आ गई? हम इन सबसे कोई लेना देना नहीं वहां से. आंसर तो देख लो, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, वहां तो देख रहे हैं ना आपको. x is equal to y square plus 1 का ग्राफ है कि नहीं? देखो ना ऊपर वाला. और जिसे कुछ भी ना आता हो कह दे ये सब के क्या लेना देना है, ऐसा बताओ तुम्हें क्या लिया है, बोलो. y is equal to, सही है, कुछ ना करो, x को 0 रखो, y क्या आया? बनाया. x को 1 रखो तो y क्या आया? अब x को अगर तुम बोलो x को माइनस 1 रखा तब y क्या आया, बोलो. 1 2 2 2, ये भी 2 बोल रहा है. तो इसका मतलब है कि 0 पे 1 और 1 पे 2 और माइनस 1 पे तो क्या बन नहीं गया, जिसे कुछ भी ना आता वो भी बना ले. नहीं समझ आया? ये तो बिल्कुल आसान है, देख लो. 1 पे 2 और माइनस 1 पे 2, बोलो सही है. अब आप आंसर दीजिए. ये तो सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है. लेकिन बातों बातों पे मैंने आपको जो बात बताई है वो बीएससी फाइनल ईयर में पाई जाती है. इसमें लोग गलत करके आते हैं. हमारे डीयू के बच्चे टॉप करते थे जब दिल्ली में मैं था, उनको ऐसे खेल खेल में ग्राफ बता देता था, यहाँ ग्राफ की इतनी मोटी बुक रखी. तो आप भी समझ गए, तो मतलब पढ़ाई बिल्कुल आसान है. सुन लो अब अगला सवाल है. इफ द सम ऑफ रूट्स इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज दिस, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आसानी से आ जाएगा. भाई हमने कहा नया का फार्मूला लगाओ. सम ऑफ रूट्स निकालो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. इस सेशन में एक बार भी नया गायब नहीं. सुन लो, प्लस पी एक्स माइनस और माइनस 1 by b. अब चाहे तो k भी लिख सकते हो. बोलो अंदर क्या हुआ? सही है. अब p का आया एलसीएम लो. एंड आसन इज ए बॉडी प्रेशर ओरिजिनली एन स्टैंडिंग सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड एक्सटेंडेड इन हट योग. हाँ ठीक है, ये देखो आसन है. तो द शेप ऑफ पोजेस द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड. कितना अच्छा बताया, क्योंकि वहां पर निगेटिव था कि नहीं, यही तो एक ही वैल्यू है माइनस वन. ओपन्स डाउनवर्ड है तो ए क्या हुआ? निगेटिव. समझ में आ गई बात कि नहीं? तुम एक्स कुछ भी रख लो, वाई को निगेटिव होने से बचा नहीं सकोगे. बचा पाओगे क्या? तो बताओ ए क्या होना चाहिए? जीरो से लेस. लिखा है कि नहीं वहां? अगला देखो, वो बेटर है ही है, वो तो आप देख ही लो, रखोगे कुछ भी तो प्लस है वाई को नीचे. अब अगला देखो, हाउ मेनी जीरो आर देयर? तो जहां कट रहा है एक्स की वो वैल्यू है, वो वाई को जीरो बना रहा है, वाई ही तो पॉलीनोमियल होता है. तो माइनस टू और फोर. अब अगला देखो, दो जीरो, ये वाई एक्स को दो जगह कट रहा है. मतलब एक्स की ऐसी दो वैल्यू, माइनस टू जीरो, जीरो ही तो पॉलीनोमियल है. मेरे को लगा वो वाई है उधर टू.
लगा तो चोट में होता है ना। अब देखो द टू जीरोस इन अबव x की वैल्यू, इसमें कौन कौन सी वैल्यू आई बताओ। अगला देखो द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसके कौन कौन से जीरोस है देख लेते हैं। सो समझ में आई बात, फोर टू थ्री इसको निकाल दो आप लोग, इसमें क्या वैल्यू है, कौन कौन से जीरो है। आप जरा चेक कर रहे हैं, ओके नाउ इसी का आंसर आया फोर रूट थ्री, और चार आंसर आए बीस है, बी बी है और प्लस फाइव एक्स बी ए ये तो ये बड़ा कम है बड़ा सही बना। चलो अब यहाँ तक बात हो गई, तो टू बाई रूट थ्री डाले कौन सा आंसर है, बी बी सर बी है, बी आ गया। सो बी बी देना, अब मैं इसका आंसर चेक भी कर देता हूँ, बी है। एस स्टडी थ्री देखो ठीक है, कैसे इन्होंने बी निकाला सुन लो आंसर, नहीं उससे मतलब नहीं है कि मैंने भी निकाला। यहाँ देखो अल्फा और बीटा, अल्फा सुन लो, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए, यही तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इन्होंने सोचा एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बोला बी है, डालो बी। एक बार में, एक बार में समझ लो। अच्छा इन्होंने कहा कि दो जीरोस का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए, दोनों ही निगेटिव भी नहीं होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव भी नहीं होने चाहिए, हटा उसको। समझ रहे हैं, और एक पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए, और साथ में अल्फा प्लस बीटा का नहीं, यहीं से ये गवर्निंग फैक्टर है। और जो बी बाई है वो कैसा होना चाहिए देखो, तो इस तरीके से ये क्या चीज आई बताओ, माइनस बी बाई ए क्या है बताओ, यहाँ से देख के माइनस फाइव बाई फोर रूट थ्री, और क्या यही दोनों जीरोस का सम है, तो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, इससे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा, यानी उनका सम निगेटिव हो तो एक बड़ा भी हो, एक तो निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि बड़ा निगेटिव होगा तो निगेटिव बना लेगा, एक निगेटिव होना चाहिए और दोनों निगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव का तभी तो निगेटिव आएगा। तो इस सवाल में एक देखो निगेटिव है, और क्या वो बड़ा वाला है जो निगेटिव है, तो बड़ा निगेटिव होगा तो इसे उसने निगेटिव बना दिया, सही है। यही चीज तो हमें देखनी, थोड़ा सा तर्क शक्ति से हो जाता है। अब देखो केस स्टडी थ्री देखिए, बास्केटबॉल एंड सॉकर है कि सॉसर, सॉकर played with a spherical ball. Even though an athlete dribbles the ball in both sports, a basketball player uses his hand. तो ये इन दोनों में बॉल को मारा जाता है, जरा ये देखो, तो यहाँ पर खिलाड़ी दिख रहे हैं, the path is parabola, the graph of parabola opens upward, तब देख लें, observe the graph, इसके कितना जीरो जीरोस हैं। अब आगे देखिए द थ्री जीरोस ऑफ अ ग्राफ, वो देख लेना, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीनोमियल। अब ये आपके रिपोर्ट्स में नहीं है इसलिए नहीं आएगी, तो अगर समझ लो फिर भी, अब देख लो इन्होंने क्या बोला, एक्सप्रेशन बोलना है, माइनस थ्री किसने बोला, और सेकंड क्या बोला, और तीसरा कितना बोला, टू था तो माइनस टू, बोलो x माइनस ए और अल्फा, और x क्या होता है, ध्यान नहीं दे रही हो, समझो तीनों जीरो ऐसे ही तो लिखे जाएंगे जो जीरो हैं, अब बस इनका मल्टीप्लाई कर देना आंसर देख लेना,
भाई दो जीरोस होते हैं, मान लो टू और थ्री किसी के जीरो हैं, तो वो कैसा होता है? कहे कि टू और थ्री किसी के जीरोस हैं, तो यही तो वो पानी ना मिले बस। और किसी के जीरो माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू है, तो ये चीज हो गई। अब इसको कैसे लिखें बताओ, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस, और ये क्या है एक्स माइनस टू, बताओ इससे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, और इससे क्या आया, और मल्टीप्लाई कर लेना आंसर। है बात की नहीं? तो कुछ वहां सोचना नहीं कि आंसर है, रख रख के भी मत देख, ये कर ले कि चलो एक एक रख रख के देख ले, जहाँ तीनों सही आ जाएं, वो सब नहीं करना, नहीं तो कितनी देर लग जाएगी और इसमें जल्दी से हो जाएगा। सही है, अब देखो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का देखो, 5 मिनट सो केस स्टडी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का प्रचलित है हर जगह, और किसी का नहीं देता, अगर सिंपली भी डाल दो तो देता है। अब सुन लो, इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग और बोलो ए नाइन क्या है, तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, तो ए सिक्स कितना लिखे देख लो, ए सिक्स लिखो, चलो ए तो आप लोग निकाल कर निकालिए, ए सिक्स 16,000 है और ए नाइन 22,600 है, निकालो ए कितना बताओ, निकालो ए प्लस फाइव भी है, ये ए प्लस एट भी है, अब इसी को आपस में इलिमिनेट कर लो, ए पता चल जाए। सर अरे तो ये तो बताओ, फाइव थाउजेंड ये सही बताना है, यही पहला आंसर है, ये है 5,000 करने का। अब जरा देखो, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग एट ईयर, ए एट निकालो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसी में से 220 घटा दो, ए नाइन में से 220 कम कर दो, कितना हुआ, प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट थ्री ईयर निकाल लोगे, इन विच ईयर 29,200 ये निकाल लो, तो सर ए एन को 29,000 मान लो, ए एन इज इक्वल टू 29,200 यही सवाल आएगा, अगर ज्यादा आएगा। अब देखो यही सब आते हैं, 5,000 और 10 माइनस 1
ऐसा नहीं है पेपर नहीं मिला वो बनाने वाली टीम में। सो एन माइनस वन 22 आपस में बातचीत हो गई कि अर्पिता साइंस का बना लेगी इनसे कह दिया ठीक है तुम सोशल साइंस देख लेना, टीचर ने सबको काम दे दिया है। एन माइनस वन कितना हो गया, ये देखो कितना हो गया 22 तो दैट इज एन इज इक्वल टू 12 12 हो गया। अब छुट्टी करो एग्जाम के बाद इनका मुंह देख।